और देखिए अब 1 मई यानी 18 प्लस का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। देश में अब तक 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और इसी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोविन चेयरमैन आरएस शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका आरएस शर्मा जी, जी न्यूज पर। जी धन्यवाद आरएस शर्मा जी, क्योंकि हम एक बहुत बड़े अभियान की तरफ कल से जा रहे हैं। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार 18 प्लस के लोगों को भी वैक्सीनेशन होगा, तो किस तरह की तैयारियां हैं और कितना बड़ा चैलेंज के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? देखिए, हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम में हम लोगों ने जो नेसेसरी आवश्यक जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को कर दिया है। और कल से, जैसा कि आपने कहा, कल से हम रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का। साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि हॉस्पिटल्स जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन होगा वो हॉस्पिटल भी अपना टाइम टेबल इस प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करेंगे, उसके बाद ही लोग अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। तो वो भी प्रक्रिया शुरू हो रही है और मेरा विश्वास है कि जब अपना लोग पब्लिश करेंगे टाइम टेबल तो इधर से लोग उस पर अपॉइंटमेंट और बुकिंग भी कर सकेंगे। डॉक्टर आरएस शर्मा, जिस तरह से यहाँ पर देखिए 18 प्लस के करीब 81 करोड़ की आबादी है और यहाँ रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होने जा रहा है, तो इस बार क्या कोई नई प्रक्रिया भी शामिल की गई है या फिर जैसे हमने पहले रजिस्ट्रेशन किया था वही रहेगा पूरा? देखिए, कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल हम लोगों ने ये कहा है कि जितने भी 18 से 44 वर्ष के लोग हैं वो लोग बिना अपॉइंटमेंट लिए हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं जाएं, क्योंकि ऐसा होगा जैसा कि आपने कहा कि लंबी बड़ी जनसंख्या है और कहीं ऐसा ना हो कि किसी सेंटर पर 100 की कैपेसिटी है और वहां 1000 लोग जमा हो जाए वॉक इन के नाम पर। तो इसीलिए हमने कहा है कि हम लोग जो 18 से 44 वर्ष तक का जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप को निश्चित रूप से और नेसेसरली रजिस्ट्रेशन कराना होगा और अपॉइंटमेंट लेकर ही सेंटर पर जाना होगा वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि पिछली बार ये था कि आप जिस भी वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पर जा रहे हैं वहाँ पर आपके पास चॉइस नहीं होगी, क्या इस बार चॉइस का ऑप्शन है तो वो किस तरीके से कि आप कौन सी वैक्सीन लेना चाहते हैं, किस कंपनी? देखिए, जो सरकारी जो केंद्रों पर जो वैक्सीनेशन होगा वो तो अपनी तरफ से जो वैक्सीन वहाँ लगेंगी वही वैक्सीन वहाँ लगेगी, उसमें कोई चॉइस की बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं केंद्र सरकार की ओर से ये अनाउंस किया गया है कि 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन मुफ्त में किया जाएगा, उसी प्रकार से राज्य सरकारें भी, कई सारी राज्य सरकारों ने भी अनाउंस किया है कि 18 से ऊपर के और 44 तक के जो लोग हैं उनका भी फ्री वैक्सीनेशन किया जाएगा, तो वो वहाँ पर सरकारी केंद्रों पर होगा। जहाँ तक प्राइवेट सेंटर्स की बात है तो प्राइवेट सेंटर्स में लोग देख सकेंगे कि कौन कौन सी वैक्सीन लग रही है वहाँ पे, और साथ साथ वो लोग अपने वैक्सीन की प्राइस भी बताएंगे कि हमारे यहाँ ये वैक्सीन लग रही है, इसकी कीमत इतनी है, इस वैक्सीन की कीमत इतनी है, और कोविन प्लेटफॉर्म पर ये सारी सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी कि आपके आसपास कौन कौन से अस्पतालों में कौन कौन सी वैक्सीन लग रही है प्राइवेट अस्पतालों में और उनमें क्या क्या दाम है उनके, तो ये सारी सूचनाएं हम लोग प्लेटफॉर्म पर देंगे। और जो प्राइवेट सेंटर्स पर जाकर खुद को वैक्सीनेट करना चाहते हैं उनके लिए भी कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा? जी बिल्कुल, कराना जरूरी होगा कोविन पर रजिस्ट्रेशन, बिकॉज हम लोग ये जानना चाहेंगे, ये तो बेसिकली पब्लिक हेल्थ पॉलिसी का हिस्सा है कि हम लोगों ने कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, कौन कौन सी वैक्सीन से वैक्सीनेट किया है, उनके जो एडवर्स इम्पैक्ट है उसको भी जानना हमारा फर्ज है। तो वो भी जानकारी उस प्लेटफॉर्म से ही मिलती है, तो क्योंकि कोविन प्लेटफॉर्म पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस का एक इंटीग्रेटेड सेटअप है, तो इसलिए उस पर रजिस्ट्रेशन करके उसमें अपॉइंटमेंट लेकर के उसी के हिसाब से काम करना आवश्यक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म का रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी और बाकी फैसिलिटी अवेलेबल है आरोग्य सेतु के माध्यम से, और कोविन जो हमारा वेबसाइट है उसके माध्यम से, और हम आज से कोविन की दो फैसिलिटीज जो कि बेसिकली वैकेंसीज हॉस्पिटल्स में कितनी हैं कहाँ पर है ये फैसिलिटी,
और डिजिटल सर्टिफिकेट जो हमारा होता है उसके डाउनलोड की फैसिलिटी, इसको हम ओपन कर रहे हैं। तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इसके ऊपर डेवलप होकर के थर्ड पार्टी के लोग भी इसको बता सकेंगे। इसलिए किस आपके आसपास के हॉस्पिटल में किस में कितनी वैकेंसीज है, इसके लिए आपको कोविन प्लेटफॉर्म पर आने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि कोविन प्लेटफॉर्म पर आग्रह दे सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जब डेवलप होंगे तो वो भी आपको ये सूचना दे सकेंगे। ठीक है आर एस शर्मा जी, जैसे एक वैक्सीन का डोज किसी ने लगवाया लेकिन दूसरे वैक्सीन के डोज के वक्त वो सेंटर पर मौजूद नहीं है, वहाँ उसके आसपास मौजूद नहीं है, तो क्या सेंटर्स बदले भी जा सकते हैं कोविन ऐप के थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल बदले जा सकते हैं। कोविन ऐप में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि जिस एक केंद्र पर आपने एक वैक्सीन लगवाई तो वो वैक्सीन लगवाने के लिए आपको उसी केंद्र पर जाना पड़ेगा, आप किसी भी केंद्र पर जा सकते हैं। ये दिल्ली में पहला वैक्सीन लगवाया, दूसरा वैक्सीन आप जो है त्रिवेंद्रम में लगवा सकते हैं, ऐसा कोई पूरे भारतवर्ष में कहीं भी लगवा सकते हैं। ये जरूर है कि जो वैक्सीन आपने पहली बार लगाई है आपको दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगेगी, तो जब दूसरे बार आप खोजिएगा तो उसमें केवल आपको वही केंद्र दिखाई पड़ेंगे जहां पर पहली वैक्सीन की वैक्सीनेशन हो रहा है। ठीक है अच्छा ये बताइए मुझे कि जो लोग, ऐसा भी कोई इसमें ये रखा गया है कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए फिलहाल? देखिए ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मेडिकल क्षेत्र की चीज़ें हैं और इसके लिए समय समय पर आप जानती हैं गाइडलाइंस निकलती रहती हैं, कौन सी वैक्सीन के बीच के में कितना गैप होना चाहिए, किन किन कंडीशंस पर वैक्सीन लगवानी चाहिए, ये सब चीज़ें मेरे क्षेत्र की चीज़ें नहीं हैं और ये चीज़ें जो बाहर आती रहती हैं वो इसमें देखना पड़ेगा, मैं इसके बारे में कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है अच्छा मैं एक और चीज़ यहाँ पर ये जानना चाह रही थी, क्योंकि 81 करोड़ की आबादी है तो व्यवस्थाएं हालांकि दुरुस्त लगातार की जा रही हैं, तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा लेकिन इस चैलेंज को पूरा जरूर कर लिया जाएगा? क्योंकि अब जो हालात है, ये सवाल मेरा इसीलिए कि अब जो हालात है ऐसे में हर किसी की कोशिश यही है कि वो खुद को वैक्सीनेट करे। नहीं जैसा मैंने बताया आपको कि मैंने ये इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा कि कितने नंबर्स होंगे, कितना किस तरह से ये होगा, मैं केवल यही कह पाऊंगा कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म को हमने तैयार किया है कि जो डिमांड का रश आएगा उस प्लेटफॉर्म पे उस रश को केटर कर सके, इतना मैं कह सकता हूँ। दूसरे विषयों के बारे में मेरी जानकारी बहुत सीमित है इसलिए मैं उसको जवाब देना पसंद नहीं करूँगा। जी अच्छा आर एस शर्मा जी, कल से क्योंकि रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है 18 प्लस लोगों के लिए, तो क्या इसकी कोई लिमिटेशन है कि एक दिन में इतने ही लोगों का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन होगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन पर कोई बंदिश नहीं है, केवल यही है कि ऑब्वियसली जो जहां जहां ऑफर हो रही होगी वैक्सीन पहली मई के बाद में, वो उसमें सीमित हो सकता है कि मान लीजिए पहली मई को जो टोटल ऑफरिंग है वो 10 लाख है पूरे देश में या 50 लाख है पूरे देश में, तो ऑब्वियसली 50 लाख लोग ही अपॉइंटमेंट ले सकेंगे, वो एक जरूर रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी रोजाना होगी? वो डिपेंड करेगा राज्य सरकारों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर कि वो लोग कब करना चाहते हैं। राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से हॉस्पिटल्स को निर्धारण और उसके बाद जो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको ऑनबोर्डिंग, ये सारा काम राज्य सरकारें कर रही हैं और वो उसी प्रकार से करती रहेगी। केवल कोविन प्लेटफॉर्म एक एनेबलर है, एक टेक्नोलॉजी टूल है जिसके माध्यम से हम इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है हमारे साथ कि उसका जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड पर आता है कि किस जिले में किस कौन सी वैक्सीन लगी आज के दिन में, तो हर दिन का आंकड़ा आता है। तो ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हर एक वैक्सीनेशन जो देश में होता है उसकी जानकारी कोविन प्लेटफॉर्म को रहती है। अच्छा रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कि मैंने करवा लिया, तो क्या मुझे फौरन पता चल जाएगा कि मेरा सेंटर कौन सा है, किस सेंटर पर और क्या वक्त है जब मुझे जाकर वहां पर खुद को वैक्सीनेट कराना? जी नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाना और उसके बाद सेंटर खोज करके अपॉइंटमेंट लेना, या दोनों आपको ही करना है। सिस्टम आपको नहीं बताएगा कि आप फलानी जगह जाकर के अपना वैक्सीनेशन करवा लीजिए, क्योंकि आपकी सुविधा इम्पोर्टेंट है, आप कहाँ वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं ये आप डिसाइड करेंगे, तो उसमें आपको चॉइस है।
कि ये केंद्र हैं आपके आसपास, ये केंद्र फ्री वाले केंद्र हैं, इन केंद्रों पर इस वैक्सीन का इतना पैसा लगेगा, ये सारी जानकारी आपके सामने है। आपको चॉइस करनी है कि कहाँ पर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। लेकिन हमें जो चॉइस हमारे लिए होगी वो उसके ऑप्शन हमें इस ऐप पर मिलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको क्या क्या कौन कौन से केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा है, कितनी वैकेंसीज हैं, ये सारी जानकारी आपको इस पर मिलेगी। अच्छा आर एस शर्मा जी, क्या आप ये बता पाएंगे कि मतलब जो लोग कोविड पॉजिटिव होकर ठीक हो चुके हैं वो कितना ड्यूरेशन बीच में होना चाहिए कि उनको खुद को वैक्सीनेट करा लेना चाहिए उसके बाद जाकर? देखिए मैंने जैसे कहा कि ये विषय जो है मेडिकल साइंस का विषय है, मैं डॉक्टर जरूर हूँ लेकिन मैं PhD वाला डॉक्टर हूँ, मैं मेडिकल वाला डॉक्टर नहीं हूँ। आर एस शर्मा जी, कुछ राज्यों की तरफ से ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि उनके यहाँ पर वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी, लेकिन उसे कैसे पता चलेगा? कोई भी शख्स अगर खुद को रजिस्टर वहाँ पर करवाता है, मान लीजिए उसे नहीं जानकारी इस बारे में, तो क्या कोविन के जरिए भी वो जान सकता है कि उसके राज्य में या फिर जहाँ पर वो लगवाने जा रहा है वो वैक्सीन फ्री में लगेगी या फिर उसको पे करना होगा? जी बिल्कुल जान सकता है कोविन में, ये जैसे ही राज्य डिक्लेयर करेंगे वो अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि हम सरकारी अस्पतालों पर ये वैक्सीन 18 साल से ऊपर के लोगों को हम फ्री लगवाएंगे, तो वो खुद निर्धारित कर सकते हैं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन राज्य सरकार को ही करना है। ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज आपसे यहाँ पर ये पूछना चाह रही थी कि कल से आम लोगों के लिए लगता है आप सवाल आपके आप चलिए बताइए। जी मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि वैक्सीन की चॉइस रहेगी है तो आपने बता दिया, लेकिन अगर हम कोविड जैसा कि मैं आपसे ये कह रही थी कि उस ऐप पर अगर ये जानकारी हमें मिलती है कि हमें यहाँ यहाँ पर जाकर हम खुद को वैक्सीनेट करवा सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा सेंटर जो हमारे आसपास अवेलेबल उस वक्त ना हो, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप अगले तिथि को फिक्स कर लीजिए रिजर्वेशन। जी अच्छा, वैक्सीनेशन सेंटर्स को लेकर मेरा सवाल है, वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या भी बढ़ाई गई है क्योंकि इस बार तो संख्या बहुत ज्यादा है 18 प्लस लोगों की? जी 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 बिल्कुल बढ़ाई गई है। राज्य सरकारें, मैंने कहा ना कि राज्य सरकारों को ये पूरा अधिकार है कि कौन कौन से जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, कौन कौन से लोग हैं उनको अपना वैक्सीनेशन का वो देंगे, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। अब तो जैसा कि आप जानते हैं कि नई पॉलिसी जो लिबरलाइज्ड पॉलिसी है उसके मुताबिक हॉस्पिटल्स भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन खरीद सकते हैं, जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं वो भी खरीद सकते हैं, तो वैसी स्थिति में वो लोग जब वैक्सीनेशन करना शुरू करेंगे तो केवल उनको कोविन प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करना होगा और उसके बाद अपना बाकी काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सवालों के जवाब देने के लिए, धन्यवाद आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.